आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हम वर्तमान में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार के माहों को लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में हमारा जो प्राचीन कैलेंडर है वो राष्ट्रीय जो पंचांग है वो सक संवत पर आधारित है। जो सक संवत है उसके माह जो है वो हिंदी के हैं। इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, यानी जो राष्ट्रीय पंचांग का जो कैलेंडर है उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इसके जो 12 महीने होते हैं उसका पहला जो महीना है वो चैत है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, श्रावण, भादो को भाद्रपद कहा जाता है, लेकिन जनरली हम यूज जो होता है भादो होता है। भादो, कुमार को अश्विन भी कहा जाता है, लेकिन जनरली लोग इसको कुमार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन, इस प्रकार ये 12 माह है। पहला कौन है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इस प्रकार ये हिंदी के 12 महीने हैं। इसका अगर अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो इसका जो चैत की एक तारीख होगी वह 22 मार्च को होगी और जो फागुन की आखिरी तारीख होगी वह 21 मार्च होगी। अर्थात अगर हम इसको इंग्लिश कैलेंडर से जोड़ें तो 22 मार्च से 21 मार्च के मध्य में होगी और ये हमारे हिंदी के 12 महीने हैं, जो कि चैत पहला है, फागुन लास्ट में है और ये हमारे राष्ट्रीय पंचांग सक संवत पर आधारित है। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।